मतलब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, ना आपको पता है ना मुझे पता है ना डीसी वालों को पता है। वॉर्नर वर्ल्ड्स कंपनी चाह क्या रही है कुछ पता नहीं है। डीसी फैंस को खून के आंसू रोने वाली वॉर्नर वर्ल्ड्स कंपनी ने आज जो ब्रेकिंग न्यूज दी है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। बैटगर्ल मूवी को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। इस मूवी को जब अनाउंस करा था कि ज़ेटना और बैटगर्ल मूवी आएगी जो कि एचयू मैक्स पर रिलीज होगी, ना कि कोई थिएटर में रिलीज होगी, और ये मूवी सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जा रही है, इस मूवी को फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन में कैंसिल कर दिया। भाई डीसी फैंस उनके तो बहुत ज्यादा पागल है। अब सोशल मीडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जो कि इन्हें इसके सपोर्टिंग है कि भाई सही करा कैंसिल कर दिया, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, और उसके साथ वो फैंस नाराज हैं जो कि कैंसिल करने पर कि भाई उनको ये मूवी अब देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या है रीजन, क्या है डिटेल, हर चीज के बारे में बात करेंगे कि क्यों वॉर्नर वर्ल्ड्स कंपनी ने डीसी की अपकमिंग मूवी बैटगर्ल को कैंसिल कर दिया, ये बहुत बड़ा इशू है। आज चलिए इसके हर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बताया कि जब ये अनाउंस हुई थी तो एचयू मैक्स पर रिलीज होगी और इस मूवी को कंप्लीट कर लिए, सारी चीजें हो गई और फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन पर इस मूवी को कैंसिल कर दिया। तो न्यूयॉर्क के अभी एक हाल ही में न्यूज़पेपर ने ये खुलासा करा है कि डीसी ने अभी हाल ही में अपनी अपकमिंग मूवीज की टेस्ट स्क्रीनिंग करी थी, जिसमें वॉर्नर वर्ल्ड्स के मैनेजमेंट भी डायरेक्शन भी बैठे हुए थे, और उन्होंने जब एक एक करके सारी मूवीज को देखा तो वो कैंसिल करते गए, पास करते गए, जिसमें कि सबसे पहले अपकमिंग जो मूवी है स्कूबी डू उसका सेकंड पार्ट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि बताया जा रहा था कि इस मूवी को बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। $40 मिलियन की इस बजट की मूवी को बनाने का क्या ही मकसद है जब ये मूवी थिएटर पे जाके धमाके नहीं मचा पाएगी। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो भी मूवी बने वो बड़े लेवल पे बने। उसके साथ बात करें फिर फ्लैश का टाइम आया तो फ्लैश की काफी ज्यादा तारीफ हुई, उनकी एक्टिंग, एक्शन सीन और फ्लैश की जो पावर्स का यूज करके दिखाया गया, यानी कि काफी बड़ा अच्छा इवेंट दिखाया गया है। और उसी के साथ उसमें सुपर गर्ल और जॉर्ड की जो लड़ाई दिखाई है वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, यानी कि मैन ऑफ स्टील में जो हमने लड़ाई देखी थी वो कुछ भी नहीं थी जो कि हमें फ्लैश में देखने को मिलेगी। और इस मूवी का जो टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पसंद आया तो इस मूवी को पास कर दिया। और उसी के साथ जब नंबर आया डीजी की बैटगर्ल मूवी का तो इस मूवी को देखते ही ऑडियंस के बहुत बुरे स्कोर रहे, ऑडियंस ने बिल्कुल इस मूवी को पसंद नहीं करा। और वहाँ पे जब वॉर्नर वर्ल्ड्स कंपनी के हेड बैठे थे तो उन्होंने इस मूवी को तुरंत ही कैंसिल कर दिया, ना तो इस मूवी को थिएटर में रिलीज करेंगे ना ही एचयू मैक्स पर रिलीज करेंगे। अब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से मना कर दिया, तो यानी कि आने वाले टाइम में चांसेस हैं कि शायद इस मूवी को अदर प्लेटफॉर्म पर रिलीज करा जा सकता है, सिर्फ जो पैसा खर्च करा है वो रिकवर हो जाए। अब ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, बाकी उनका डिसीजन तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि इस मूवी को रिलीज नहीं करा जाएगा। तो ऐसा क्या रीजन है भाई, तो इस मूवी की स्टोरी बेकार बताई जा रही है, ठीक है क्लाइमेक्स ज्यादा खास नहीं है, और जो कह सकते हो कि एक तरीके से विलेन है जो कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो बेकार है, और जो सबसे बड़ी बात कि इस मूवी का जो इवेंट है वो किसी मकसद का ही नहीं है, यानी कि डीसी यूनिवर्स में कनेक्ट होने का कोई पता ही नहीं है कि ये कैसे कनेक्ट हो रही है, कहाँ से ये लड़की आई, क्या स्टोरी है। तो ओवरऑल स्कोर बिल्कुल बेकार था, इसलिए इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया। बट अब खुशखबरी ये है कि आने वाले टाइम में उन्होंने ये भी चीज रिवील करी, हेड्स ने, मेकर्स ने, जो वॉर्नर वर्ल्ड्स कंपनी के डिजाइनर हैं जो कि प्लान करते हैं कि आने वाले टाइम में मूवी किस कोऑर्डिनेशन में आनी चाहिए, और वो एक न्यू है, ठीक है आपको पता होगा वॉर्नर वर्ल्ड्स कंपनी में अभी हाल ही में न्यू डायरेक्टर और केविन फाइगी की तरह न्यू सीईओ को रखा गया है। उन्होंने इसके बाद फिर ये स्टेटमेंट दिया कि आने वाले टाइम में जो डीसी की मूवी होने वाली है वो बहुत बड़े लेवल स्केल पे बनेंगी और एक बड़े बड़े टाइटल के साथ होंगी, बड़े बड़े इवेंट के साथ होंगी, जो कि आप मार्वल्स मूवीज में देखते हो वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये बात उन्होंने नहीं कही है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ समझाने के लिए, जो आप मार्वल मूवीज में देखते हो बड़े बड़े इवेंट जैसे इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, फिर सबकी सोलो मूवी, फिर सबके प्रीक्वल, सीक्वल, स्पिन ऑफ, तो इस टाइप का डीसी अब प्लान कर रहा है आने वाले टाइम में। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर मूवी में कुछ खराब है तो उस मूवी को कैंसिल कर दिया जाएगा, सिर्फ मूवी अच्छे और बड़े टाइटल की बनाई जाएंगी और बड़े इवेंट की बनाई जाएंगी। बाकी आपका क्या सोचना है इस डिसीजन पर, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि शायद बैटगर्ल को कैंसिल कर दिया तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बेकार बेकार मूवी बनाने का कोई मतलब नहीं है। एक अच्छी मूवी, बड़े इवेंट की मूवी होनी चाहिए जो कि आने वाले में डीसी यूनिवर्स में कनेक्ट हो। और उनका कहने का मतलब भी ये है कि आने वाला फ्यूचर, यानी कि समझ रहे हो ना, फ्लैश के बाद बैटमैन का सेकंड पार्ट जो कि आने वाला है, मैन ऑफ स्टील 2 अनाउंस हो सकती है, उसके साथ एक्वामैन आ रही मूवी, ब्लैक एडम आ रही, सिजैम आ रही है, तो ये बड़े बड़े टाइटल हैं। और भी आने वाले टाइम में डीसी के यूनिवर्स को एक्सपेंड करा जाएगा और काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज को रिलीज करा जाएगा। तो उन्होंने अगर बैटगर्ल को कैंसिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो कैंसिल, ठीक है, पर अच्छी मूवी ऑडियंस को मिलनी चाहिए थिएटर में। बाकी आपका क्या डिसीजन है इस चीज़ को लेके कि उन्होंने सही करा कि बैटगर्ल को कैंसिल करा, बेकार मूवी थी, और एक नई मूवी की तरफ बढ़ रहे हैं वो, जिससे कि वो अच्छी अच्छी मूवी अनाउंस कर सकें। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।